हूँ जूही और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अंडर पैंट की कटिंग बता रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको नापना है और कैसे कटिंग करना है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने अंडर पैंट का कपड़ा ले लिया है। तो अंडर पैंट जो होता है उसका जो डिजाइन होता है लंबे में डिजाइन होता है, इस तरह से इसको लंबाई में ही रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चार तह में कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसका जो डिजाइन है वो लंबे में ही आए, चौड़ाई में ना आए। तो चलिए मैं इसको चार तह में करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने कपड़े को चार तह में कर लिया है। तो मैंने पूरा में इसको चार तह नहीं किया है, थोड़ा सा कपड़ा मैंने रहने दिया है। पहले हम लोग इसको नाप लेंगे, जितना हमारा कमर रहेगा बस उतना ही कपड़ा हम लोग चार तह करेंगे। तो हम लोग का कमर था 14, तो इसको नाप लेंगे पहले कि 14 है कि नहीं। देखिए 14 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको रहने देंगे। अब हम लोग लंबाई में देखेंगे कि लंबाई हम लोग को 18 था, तो लंबाई में रखेंगे। इस तरह से लंबाई नापना है और इस डिजाइन को इसी तरह से लंबाई में ही रखना है। देखिए 18 पे मैंने निशान लगा दिया। अब हम लोग हिप नापेंगे, तो जहाँ हमारा कमर का लास्ट है वहाँ से हिप नापेंगे इस तरह से। तो हिप हमारा था 15, तो 15 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब मोहरी नापेंगे, तो जहाँ हम लोगों ने लंबाई का जो छोर रखा था वहाँ लास्ट से मोहरी नापेंगे। मोहरी हमारा था 12.5 या 12.5 इस तरह से। तो मुरी पे निशान लगा लेंगे हम लोग। अब सभी निशान को हम लोग स्केल की मदद से मिला लेंगे इस तरह से। अब ये इसका जो मोहरी का जो छोर है और ये हिप का जो छोर है, दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। मैंने ग्राफ में भी आपको इसी तरह से बताया था, इसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे। और ये हमारा अंडर पैंट का कटिंग बनने के लिए ग्राफ तैयार हो गया है। तो चलिए इसका कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा अंडर पैंट जो मैंने काट के तैयार किया है। अब यहाँ पे दोनों ज्वाइंट है उसको भी अलग कर लेंगे इस तरह से। ज्वाइंट को इस तरह से दोनों के बीच में इस तरह से कैंची को डाल के अलग कर लेंगे। और ये हमारा अंडर पैंट कट के तैयार हो गया है। तब इसको साइड में रख देंगे। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था वो वाला है। तब इससे हम लोग मियानी निकालेंगे। तो मियानी आगे और पीछे दोनों के लिए निकालना है, इसलिए दो मियानी निकालेंगे हम लोग। तो मियानी का जो लंबाई था 6 था। तो पहले इस तरह से कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे। अब हम लोग 6 पे निशान लगाएंगे। छः पे निशान लगा लेंगे इस तरह से और इधर भी 6 पे निशान लगाएंगे हम लोग। अब इसको हम लोग काट के इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए, मैंने मियानी काट के तैयार कर लिया है। आप जब भी मियानी काटें तो कपड़े को इस तरह से मोड़ें और लंबाई नाप लें 6 इंच। फिर चौड़ाई आपको यहाँ पे 2.5 इंच रखना है, क्योंकि जब ये खुलेगा तो 5 इंच हो जाएगा।
चौड़ाई हमारा 5 इंच था, तो इस तरह से हमारा मियाने भी कट के तैयार हो गया है। देखिए मैंने 2 मियाने काट लिया है इस तरह से, इसको भी साइड में रख लेंगे। तो देखिए ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम लोग डोरी निकालेंगे। तो डोरी निकालने के लिए हम लोग को इतना ही चौड़ा डोरी निकालना है, तो स्केल की मदद से इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से सीधा निशान लगा लिया मैंने, अब इसको काट के डोरी निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा डोरी निकल गया और इसमें से भी थोड़ा सा डोरी नीचे से निकाल लेंगे, जो हम लोग का नीचे का कपड़ा बचा हुआ था तो उसमें भी निकाल लेंगे हम लोग इस तरह से। डोरी के लिए सीधा पट्टी काटना है। अब ये सभी को जोड़ के हम लोग का डोरी तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने सारी चीजों को काट लिया है, आप भी इसी तरह से काटे। और ये मैंने बड़े साइज का अंडरवियर बनाया है, अगर आप छोटा साइज का बनाते हैं तो आप उसी अनुसार से काटे, उसी अनुसार से नापे। तो देखिए ये है हमारा अंडर पैंट और ये है मियानी और ये है डोरी के लिए मैंने सीधा पट्टी काटा है, जिससे हम लोग डोरी बनाएंगे। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है या समझने में दिक्कत हुई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।